ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बवाल, केंद्र सरकार ने दिया यह जवाब। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ करेंगे बड़ा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साफ तौर पर कह चुके हैं, हमारे लिए कोई भी मामला छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य हर एक आम जनता को सहूलियत देना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जितना बड़े बड़े नेताओं और हाई प्रोफाइल मसलों को महत्व देते हैं, उतना ही महत्व एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी याचिका पर भी लेते हैं, जो सीधे आम लोगों को प्रभावित करता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई की और बड़ा फैसला आने वाला है। ये बड़ा फैसला कैसे आम लोगों को प्रभावित करेगा, ये पूरा फैसला आखिर है क्या, क्या ड्राइविंग लाइसेंस का आखिर मसला क्या है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला? ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही CJI की बेंच ने केंद्र सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने दिया जवाब, जिसके बाद से हो गया साफ, नया सरकार बनते ही बदल जाएंगे मोटर व्हीकल के नियम। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष मंगलवार को एक मामला सामने आया। मामला हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के नियम को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है जिस पर कोई सामान नहीं लदा हो। इस सवाल के जवाब में CJI की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने एक नोट प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले को 30 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने नोट में क्या कहा? अटॉर्नी जनरल ने अपने इस नोट में संकेत दिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए परामर्श में मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आम चुनाव के बाद नवगठित संसद के समक्ष इन्हें रखा जाएगा। पीठ ने कहा, मंत्रालय ने अपने 15 अप्रैल 2024 के पत्र के माध्यम से कानून में प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा रिकॉर्ड पर रखा है। पीठ में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। संविधान पीठ ने मामले को लेकर क्या कहा? मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा था, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का रुख जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था और नियमों में संशोधन किया था। मुकुंद देवांगन मामले में शीर्ष अदालत के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन जिसका कुल वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है को LMV की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। आपको क्या लगता है, ये जायज होगा कि जो हल्के वाहन का लाइसेंस लेते हैं वो 7500 किलोग्राम तक की बड़ी गाड़ियां बिना सामान लदे चलाने के अधिकारी हो जाते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला देती है तो वो गलत या सही होगा, आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।